दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरक्षपीठाधीश्वर कक्ष में अधिकारियों संग बैठक में हिदायत दी कि शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में मानसून ने दस्तक दे दी है, इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि आम जन को किसी तरह की दिक्कत और न होने पाए। सभी संबंधित विभाग मुस्तैदी से जहाँ समस्या हो समाधान के लिए तत्पर रहे। गुरुवार दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों संग गोरक्षपीठाधीश्वर कक्ष में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से बुधवार को मानसून की पहली बारिश पर प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की। बैठक में जीडीए के सचिव उदय प्रताप सिंह ने जल निकासी को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों का अपडेट दिया। कहा कि जीडीए क्षेत्र में जल भराव की समस्या नहीं है, कुछ स्थानों पर दिक्कत थी जहां समाधान करा दिया गया। उधर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सीएम को बताया कि थोड़ी देर में ही पानी निकल गया, देवरिया रोड एवं देवरिया बाईपास रोड पर निर्मित नाले से जल निकासी सुगम हुई है। नगर निगम की ओर से मेडिकल रोड पर पंप लगा पानी निकाल दिया गया है। कुछ स्थानों पर निर्माणाधीन नालों के बारे में भी जानकारी दी। नगर आयुक्त ने बताया कि जल निकासी को लेकर पूरी तैयारी है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के साथ पंप सहित अन्य मशीनें भी तैयार हैं। विश्वास दिलाया कि पहली बारिश में लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उस स्थान पर विशेष निगरानी रखी जाए जहां जल भराव की आशंका अधिक है, नालों की सफाई का ध्यान रखा जाए। बैठक में उन्होंने संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति की सीएम योगी ने जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।